शाहीन स्कूल बीदर के 14 फरवरी को महरूस खवातीन की जमानत का अदालत सुनाएगी फैसला। शाहीन स्कूल बीदर की सदर मौलिमा फरीदा बेगम और तालिबा की वालिदा नजमुन्निसा की जमानत का फैसला अदालत 14 फरवरी को सुनाएगी। आज जिला व सेशन अदालत बीदर में प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज ने फरीदा बेगम और नजमुन्निसा की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने दोनों महरूस खवातीन की जमानत मंजूर करने पर सख्त एतराज किया। अदालत ने इस सिलसिले में 14 फरवरी तक फैसला महफूज रखने का ऐलान किया। शाहीन स्कूल के इंतजामिया की जानिब से दाखिल की गई कबल अर्ज गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त पर अदालत ने 17 फरवरी को समाप्त करने का ऐलान किया। चूंकि प्रोसिक्यूशन ने इस दरख्वास्त पर अपना एतराज दाखिल नहीं किया है, इसलिए अदालत ने प्रोसिक्यूशन को एतराज दाखिल करने के लिए 17 फरवरी तक की मोहलत दी है। बीटी वेंकटेश एडवोकेट हाईकोर्ट बैंगलोर बीदर के एडवोकेट्स प्रसन्ना आर, नारायण गणेश, सैयद सरफराज हाशमी, सैयद तलहा हाशमी, केशव राव सी और जहांगीर ने आज महरूस खवातीन और शाहीन स्कूल इंतजामिया की जानिब से अदालत में नुमाइंदगी की। वो तो मध्यंतर आदेश के संबंध पटंत ना एंटिसिपेटरी कोर्ट के ना केळलागित्तु कोर्ट प्रोसिक्यूटर के इन्नोंदु अवकाशवन्नु कोड्तीवि नावु ಅವರು ಬರುವ 14ಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 17ಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕರಾರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಸೊ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಬೇಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಹೀನ್ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ